प्रदेश की योगी सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ा झटका दिया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में शराब बिक्री नहीं हो सकेगी, जिसके साथ ही कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के क्षेत्र में बुधवार से शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी होने के नाते अयोध्या मथुरा दोनों जगहों पर काफ़ी लंबे वक्त से शराब मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की जा रही थी। स्थानीय नागरिक मंदिर क्षेत्र के आसपास मांस शराब की दुकानों का विरोध कर रहे थे, जिस पर अमल करते हुए सरकार ने दोनों ही पवित्र स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे टाइम से अयोध्या मथुरा में शराबबंदी की मांग चल रही थी। नई सरकार बनने के बाद सरकार ने तत्काल फैसला लिया और दोनों ही जिलों में 1 जून से यूपी के दोनों ही धार्मिक शहरों में जन्मस्थान मंदिर क्षेत्र के आसपास शराब बियर भांग की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूपी में सस्ती हुई ब्रांडेड शराब सभी प्रकार की शराब पर प्रतिबंध भी रहेगा। जी हां, आपको बता दें यूपी में शराब की कीमतों में कमी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार शराब बनाने वाली कंपनियों के बीच बातचीत के सकारात्मक परिणाम सामने आए। अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार में सस्ती शराब मिलने लगेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब बनाने वाली कई कंपनियों ने 36 प्रीमियम ब्रांड्स पर MRP कम कर दिया है। इन ब्रांड्स में ग्लेनलिवेट, चिवास रिगल, जेमिसन, वैलेंटाइन, एबरलोर, एब्सोल्यूट वोडका जैसे शराब के ब्रांड्स के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।